दबंगों द्वारा भूमधरी जमीन में नींव खोदकर अवैध कब्जा करने की कोशिश। जी हाँ, प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के आसपुर देवसरा थाना अंतर्गत भाटी खुर्द गांव में दबंग द्वारा भूमधरी जमीन में नींव खोदकर दबंग कर रहे हैं कब्जा। रोकने पर फौजदारी पर अमादा हो जाते हैं। उप जिलाधिकारी से पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। हल्का नेपाल बहाना बनाकर नाप करने से इनकार कर रहा है। थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र के भाटी खुर्द गांव निवासी श्री रामपुत्र जोखू ने उप जिलाधिकारी पट्टी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपित किया है कि मेरी भूमधरी जमीन का बंटवारा मुकदमा हुआ, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए कब्जा दखल दे दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी दबंग पाटीदार सहित अन्य लोग मिलकर जबरदस्ती मेरे हिस्से की जमीन में नींव खोद कर कब्जा कर रहे हैं। मना करने पर लाठी डंडा लेकर फौजदारी पर आमादा हो जाते हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ से आजाद पटेल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्री राम यादव। पिता का? जोखू। गांव? भाटी खुर्द। थाना? आसपुर देवसरा। क्या मामला हुआ है, आप तहसील आए हैं? मामला है कि हमारे भाई रघुवीर मुकदमा कहे दायर कहे रहे बंटवारा का। अच्छा। रघुवीर राम लखनऊ में मिल के हमें फैसला हो चुका है जो हमारे हिस्सा में जमीन मिली है। हाँ। वो हमें नहीं खोद लेन और दरखास्त देने के बाद पत्रक रख लेन जहाँ नहीं खोदे हैं अलगल को रख ले हैं। अच्छा, जिस जमीन का मुकदमा चल रहा है वो आपके विपक्षियों ने कब्जा कर रहे हैं। हाँ। उसका न्यायालय में भी मुकदमा विचाराधीन है? नहीं, न्यायालय में हम कैबिनेट दायर किए ही। मतलब मुकदमा दायर है ना? हाँ। तो उसमें जमीन पर कब्जा हो रहा है? हमारे हिस्सा में। उसी की शिकायत करने जिलाधिकारी पट्टी के पास आए हैं आप? हाँ। अच्छा, और क्या हुआ आपको? ऑर्डर बढ़ा लेखपाल पर, ज्ञान प्रकाश लेखपाल कहन एक दिन कहन परसों कहन दूसरी के लिए ले आओ तब चल। लेखपाल का नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव। ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव लेखपाल है। आपसे क्या बोले? परसों बोले कि 2 रुपये दा तब चलब। अच्छा। और कल आए हम कहे 2 रुपये ला। हाँ। कहे ना 2000 ले ना तक ना चलब। अच्छा, 2000 की मांग कर रहे हैं। हाँ। ये आपके यहाँ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी आपके यहाँ लेखपाल हैं। हाँ। 2000 की मांग कर रहे हैं, हम चलेंगे तब जमीन नापेंगे। हाँ, और उसके बाद तब उतना पैसे हमारे पास ना रहा तब एस डी एम पेश भाई। अच्छा। कल एस डी एम उनका बिगड़े तब। अच्छा, एसडीएम साहब को आप सब अवगत कराए ये सब बात? हाँ, सब बताए। अच्छा। हाँ, तब बाद ज्ञान प्रकाश बुलावा गए झूठ बोलें कि हम पैसा नहीं मांगा था। अच्छा। तो फाइल एसडीएम साहब ने ज्ञान प्रकाश को दे दी। जी। उसके बाद हम कहे चल गया। हाँ। कहें हम पर पेश करा दिया अपना चला। अच्छा, बोल रहे हैं पेश करा दिए हो अब नहीं जाएंगे। ठीक। हाँ।